गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज हमारी रात की 9:15 की फ्लाइट है, तो हम सुबह उठ गए हैं। अभी सुबह के 8:15 हैं, तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। सिर्फ कपड़े पहने, मेकअप अभी नहीं किया है। नीचे जाके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर ऊपर आके मेकअप करके सारा सामान बिल्कुल पैक कर देंगे और होटल के कमरे में ही रख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाना है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, तो हम सुबह सोच रहे हैं यहाँ से 10:30-11 बजे तक निकल जाएं और 4-5 बजे तक वापसी आ जाएं। तो आके अपना रूम में थोड़ा सा आराम कर लेंगे और फटाफट बैग बुक लेके तो हम निकल पड़ेंगे, क्यों जल्दी ही निकलना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे पहले हमें निकलना पड़ेगा, यानी कि 9 बजे की है, तो हमें 7 बजे के करीब निकलना पड़ेगा। तो बस आज का लास्ट दिन है, तो मुंबई को करते हैं अलविदा। तो जिसने मुंबई आके फिल्म सिटी नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं है। अभी करते हैं जाके नीचे ब्रेकफास्ट। चीना, हाँ, जल्दी तैयार हो जा फटाफट। ऑल सेट। हाँ जल्दी कर, बैग तैयार कर। एक बैग गाइस ये है हमारा, एक बैग ये, अभी भी सामान है थोड़ा बहुत, बाहर देखते हैं। अभी रुक जा, बैग के अंदर पड़ी है ये वन पीस, कितना लूज हो गया। हाँ कुछ भी नहीं है मम्मा, बेल्ट पड़ी तो है, ये बेल्ट नहीं, नहीं बाहर तो कुछ भी नहीं है। ये सामान उठा ले सारा, और चार्जर रख ले अपना, मेरा चार्जर अपना चार्जर रख ले, आके चार्ज कर लेंगे दोबारा। अभी तो चार्ज है ना फोन सारे। हाँ। ठीक है चलो चलते हैं। अभी अभी हम ब्रेकफास्ट करके आए, बता ब्रेकफास्ट में क्या था? फोन ले जाना नीचे, भूल गई। वड़ा पाव, हाँ, डोसा, हाँ, इडली, सांबर और वड़ा, वड़ा और एग्स थे, एग्स तो हम खाते नहीं है। आमलेट था, हाँ, फ्रूट्स, जूस, ऑरेंज जूस था, हाँ, वड़ा पाव था और आलू, आलू पता नहीं कैसे आलू थे, हाँ, उबले हुए पता नहीं मिसाले वाले आलू थे। चलो जो भी था, सारा नॉर्थ का वो साउथ का सारा खाना था गाइस, बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट करके। हाँ चल चलो, अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं। तूने पहली बार डाला है ये वाला? पहली बार डाला। अच्छा, अभी अभी हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, हम बाहर निकल रहे हैं फिल्म सिटी के लिए, तो वो भी अंदर आए, कहते हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं। तो हम बड़ोदरा से आए हैं, मैं कहा चलो अच्छी बात है, हमारे जो सब्सक्राइबर हमें मिलते हैं बहुत प्यार करते हैं। तो हमारी कैब आ चुकी है, तो हम लोग बस फिल्म सिटी के लिए निकल रहे हैं। बैग्स हमने यहीं पर ही हैं हमारे, तो शाम को यहाँ से बैग ले लेंगे और हम घर की तरफ रवाना होंगे। तो अब चलते हैं फिल्म सिटी, तो आपको भी दिखाते हैं गाइस ये सब सारे तैयार है। एक एक पानी की बॉटल सबने पकड़ रखी है ये री, एक मेरी। बस हम यहाँ पर आ चुके हैं कैब से, डेरा दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी। तो यहाँ आ गए, यहाँ से बसेस लेके जाएंगी हमें। 1100 रुपये टिकट है हर पर पर्सन की, तो हम 7 मेंबर हैं, यानी कि 1700 रुपये, और बिल्कुल सीनियर सिटीजन का कोई डिस्काउंट नहीं है। तो हम 7 मेंबर्स हैं, तो 1700 रुपये हमारी टिकट लगी है। बस आ चुकी है गाइज हमारी, ये देखो बस, अब इस बस पे बैठ के हम लोग जाएंगे। और नंबर वाइज बुला रहे हैं, जैसे एक मेंबर का नाम लिखा है, तो अब जो कंचन के हस्बैंड है उन्होंने अपना नाम लिखा दिया है, आवाज़ देंगे तो हम 7 मेंबर जाके बैठ जाएंगे। तो देखते हैं, 3-4 घंटे का है, तो जाके देखते हैं। पहली बार बहुत लोग हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं, बहुत रश है, ये भी खड़े हैं। 3 बसें जा चुकी हैं। फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और ये सारे थे। मैं आपको बाहर से, मम्मा ने शायद बस दिखाई नहीं दिखाई पता नहीं, लेकिन इस बस का बॉलीवुड थीम पूरा लिखा हुआ है और बहुत सारे स्टार्स के पोस्टर्स बने हुए हैं। तो अभी जब बस चलती है तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हैं। सो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, कंचनवासी बोरी अनिल अंकल आगे बैठ गए, उनको जगह ही नहीं मिल रही। 7 मेंबर हैं हम, 2, 2, 2, 2, 6 और 1, 7। अब स्टार्ट करते हैं अंदर जाना, और अभी हमारे पास गाइड आया था, वो हमें सब समझा कर गया है। चलो, ये हेरा फेरी 3 की बन रही है कंचन। हाँ। या हेरा फेरी 3 का सेट बन रहा है, पूरा सेट बन रहा है। हाँ। मतलब छोटा होता है हाँ। मगर कैमरे का कमाल है, हमें बड़ा नजर आता है। यहाँ पे जो आप लोग इतने बड़े बड़े सेट्स देखते हैं ना, वैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बहुत छोटे छोटे सेट्स होते हैं, लेकिन जब टीवी पे आते हैं ना तो बहुत बड़े दिखते हैं। हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं आप लोग? हाँ जी। अभी थोड़े दिनों पहले एक नया सीरियल स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी खत्म भी हो गया, शायद उसके नाम की वजह से। सीरियल का नाम बताओ। सीरियल का नाम था मेरी सास भूत है। अच्छा। मेरी नई सीरियल का नाम था, अनकथा करके एक सीरियल आता था सोनी पे, दोनों राइट। आप लोगों ने पठान देखी?
बनाया गया था, पूरा दुबई राइट साइड में ही बनाया गया। ओहो। इसके अलावा कमांडो 3 के लिए पाकिस्तानी जेल इधर बनाया गया था, किच्ची 2 का पूरा शूटिंग इधर ही हुआ है, तो केरला स्टोरी में जो अफगानिस्तानी जेल दिखाया गया था वो भी यहीं पे। ये देखो गाइस, ये देखो सारा सेट बन रहा है अंदर, अभी तक हमें दिखाते हैं। हमें ये नहीं पता था कि दुबई दुबई में ही होता है। ये सब कुछ यही होता है, आप लोग इसे नहीं समझ पाते क्योंकि हर बार ये कलर नाम कलर इंटीरियर फर्नीचर इसमें होता है, चेंज नहीं करेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा इन गरीबों के पास एक ही ढाबा बार बार ही यूज करते हमें बस से नीचे उतारा है शूट दिखाने के लिए। हर जगह हमें शूट नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर ये रोज दिखाएंगे तो अंदर सारे डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा शूट हो रहा है। सो गाइस, ये है यहाँ की गोकुल धाम सोसाइटी, और अभी तो 15 साल से ये सीरियल चल रहा है, अभी भी चल रहा है अंदर, हमें अंदर नहीं ले जाके जा रहे क्योंकि डिस्टर्ब ना हो। होता है ना यार, शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है अंदर, तो यही हो रही है। ये देखो इन्हीं का यही सेट है जो रोज दिखाते हैं गोकुल। ये पता है क्या, यहाँ से लोग अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं। गोकुल धाम सोसाइटी, ये सोसाइटी अंदर जाते हैं सोसाइटी के अंदर। ये देखो गाइस बनाई हुई है सोसाइटी, ये वाली हमारी बस है गाइस। देखो बॉलीवुड पूरे सब के ही नाम लिखे हुए हैं, ये वाली हमारी बस है, सब एक्ट्रेस हैं यहाँ पर, और एसी बस है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारे जो हमें गाइस जो हमें सब कुछ बता रही है, लड़की चप्पल पहन के जा सकते हैं। राइट साइड में देखिए, देखा ये वाला मंदिर आप लोगों ने? ओहो, सबने देखा है ये मंदिर, तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये रहा मंदिर। अच्छा, लेफ्ट में एक बारी घर देखिए, वो वाला अक्षय कुमार का काफी फेमस है, हर मूवी स्टार्ट होने से पहले आता है, फूफू वाला, नंदू वाला है, 10 रुपए में जाइए सेंट्रल बैठ सीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, हाँ आएंगे आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे लौट के, पहले आगे चलते हैं। मंदिर ये वाला मंदिर है। अच्छा, आप लोगों ने बागवान देखी है? पहले बागवान वाले घर चलते हैं, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। ये अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जो पिक्चर आई थी बागवान, ये उसका सारा का सारा सेटअप है, अंदर लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखते हैं इनकी बात सुनते हैं। सब साथ में रहेंगे, इधर उधर कोई भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं है अंदर। लकड़ी ना लकड़ी वो मुड़ी है, बोल रही हूं केटा, खोलिए खोलिए, सस्पेंस मत बढ़ाइए, वाह सस्पेंस मत बढ़ाओ, खोलो दरवाजा। ये मुंबई के स्पेशियस होम्स है, जिस पार्ट से स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की सारी शूटिंग स्टूडियो में की जाती है। ऐसे करीब 17 स्टूडियो फिल्म सिटी के पास है, और उसके अलावा हर प्रोडक्शन के अपने अपने स्टूडियोज होते हैं जो वो वहाँ पे शूट करते हैं। अभी जो स्टूडियो आपको दिखाया था वो जस्ट एक एग्जांपल था, ऐसे ही सारे स्टूडियो के अंदर बने रहते हैं, झनक हो गया ऐसे ही घर उन्होंने सब बना रखे हैं एक ही कमरे में, ठीक है। यही रीजन है आपको किसी भी सेट के अंदर नहीं जाने देते। आप लोगों के दिमाग में गलत तरीके का इमेजिनेशन डाल रखा है, बड़ा बड़ा घर, सुंदर इंटीरियर, अच्छा फर्नीचर, जिससे हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ है नहीं तो दिखाएंगे, आप अंदर गए तो सारा सब सामने आ जाएगा और उन्हें वो बताना नहीं,
गोकुलधाम सोसाइटी भी सेम ऐसी बनी है, उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके पास इतनी भी जगह नहीं कि वो लोग सीढ़ियों से बालकनी में जाए, उनके पास एक क्रेन है, क्रेन बालकनी में छोड़ दिया, शूटिंग हो जाती है क्रेन से ही नीचे उतर आते। पूरा वीडियो यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो। जब पिक्चर की शूटिंग होती है, शिमला और मनाली का सीन दिखाना होता है, तो यही सड़क है, नीचे से ऐसे को ऊपर लेके जाते हैं और ऐसे घुमा देते हैं बस। तो यही शिमला मनाली है, यानी कि मुंबई को ही इन्होंने शिमला मनाली बना रखा है। बस यही एक रोड है, इसी रोड से ऐसे ऊपर जाके यहाँ से जाके यहाँ दिखा देते हैं भाई हम ये शिमला मनाली जा रहे हैं। यानी कि सब कुछ यहीं पर ही होता है, मुंबई में ही सब कुछ होता है। और सब बस जो ये गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज हो जाते हैं, बस ऐसे ऐसे ही दिखाते हैं। बस यही एक रोड है शिमला मनाली, ये नीचे उतर रहे हैं, ये शिमला और मनाली से ही नीचे उतर रहे हैं। वहाँ पे शूटिंग चल रही थी शाहरुख खान वाली, देखी थी? हाँ देखी है, अभी देख के तो आए। हाँ पर चलो सही है मिले, लेकिन आज हम मिल लिए शाहरुख खान से, दूर से तो देख ही लिया। और ये देख लो एक बार इसका क्या कहना। और गाइस सबका एक ही मंदिर, सब पूरे सीरियल का एक ही मंदिर है, पूरे मूवी हो सीरियल हो कुछ भी हो, यही सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। यहाँ पर आपकी गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकती है, ये भागते ऊपर जाती है, ये सब कोई ना कोई गिरता हुआ भी आता है यहाँ से, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये सारे बैठे होते हैं, पूजा वाले सब बैठे होते हैं मंदिर अंदर, भगवान जी। और गाइस ये पूरी इनकी वो है, बस है, बस है। अच्छा टीवी ये रहा, ठीक है। और ये वाला शूट भी यहीं पे हुआ। दादा रुकिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसैली वाला घर लेफ्ट में। ये आ गए गोयंका विला, नायरा के ससुराल, और नायरा के ससुराल के जिस बगल से सिंगानिया हाउस, अक्षरा का ससुराल। चलिए दादा, मम्मी देख रहे हो सब कुछ पास पास होता है, सब कुछ पास पास है। ये देखो ये कॉलेज वगैरह बने, कॉलेज बने हुए। ये आ गए को जहाज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। कोर्ट 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 क्रिमिनल जस्टिस, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गब्बर इज बैक, नायक जैसी काफी सारी मूवीज यहाँ पे शूट की गई। मुराव का हेरा फेरी वाला चौल है वो, जहाँ वो कपड़े सुखाने के लिए लड़ते हैं, उसके जस्ट नीचे स्टूडियो नंबर 7 जहाँ कपिल शर्मा शूट करते हैं। चलिए दादा